कुरुक्षेत्र पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जन समस्याओं को सुनने के बाद राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज एक्शन मोड में दिखाई दिए। सरस्वती सहकारी समिति में पेंशन घोटाले को करने वालों के खिलाफ कर्णदेव कंबोज ने FIR दर्ज करने के आदेश के साथ साथ चनारथल में डबल रजिस्ट्री कराने वाले तहसील कर्मियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, बिजली बोर्ड के एक एक्सियन के खिलाफ शिकायत मिलने पर उसके स्थानांतरण का अनुमोदन करने की बात भी उन्होंने कही। राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने एजेंडे की 10 शिकायतों में से अधिकतर शिकायतों का समाधान किया और हाउस में एजेंडे के अतिरिक्त करीब एक दर्जन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बताया कि एजेंडे की ज्यादातर शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। वहीं कुछ शिकायतों में अधिकारियों को आवश्यक आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन देखने में आया है कि कुछ शिकायतें ऐसी थी जिन्हें हाउस में नहीं रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने और शिकायतों का समाधान करने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने कष्ट निवारण समिति का गठन किया है। आज अपना जिला कष्ट निवारण समिति की आज बैठक थी और उसमें लगभग एक दर्जन के करीब जाने कंप्लेंट्स थे। कुछ कंप्लेंट्स में अभी रिपोर्ट्स आने बाकी हैं और कुछ में हमने मौके पर जो है वो आदेश दिए हैं कुछ और शूट आउट करने के। कुछ कंप्लेंट्स में जो है कुछ अधिकारियों की जो है ना नेग्लिजेंसी मिली है, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लेने के जो है निर्देश दिए हैं। और उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी आगामी ग्रीवेंसेज की इंक्वायरी के लिए जो है ना अपनी एप्लीकेशन दी है, उनको भी हमने आज एक शॉर्ट आउट करने के लिए कि ग्रीवेंसेज की मीटिंग में ठीक प्रकार से कंप्लेंट्स लगे, लोगों को न्याय मिले, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद करके न्याय के लिए यहाँ इस मीटिंग के अंदर आते हैं कि हमें यहाँ इस मीटिंग के अंदर न्याय मिलेगा। तो कई बार क्या होता है, जो कंप्लेंट लगने वाली होती है वो नहीं लगती और अनाप शनाप जो है कंप्लेंट वो लग जाती है। तो मैंने आज एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है कि वो जो है ना सारी एप्लीकेशन देखेगी और उसकी गंभीरता को देखते हुए जो है ना आगामी जो हमारी ग्रीवेंसेज की मीटिंग होगी उसमें वो कंप्लेंट्स रखेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। हमारा मकसद है लोगों को न्याय देना। सरकार के तौर पर प्रभारी मंत्री के नाते ग्रीवेंसेज के चेयरमैन होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ के जो ग्रीवेंसेज आए उन लोगों को जो है ना न्याय मिले। तो इसलिए जो है ना ग्रीवेंसेज का आज मैंने जो है ना एक कमेटी। सत्य खबर के लिए कुरुक्षेत्र से भारत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।